ओम साई राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं नए नए मटेरियल से साईं बाबा के वस्त्र बनाती हूं। तो यहां आज हम कपड़े के बैग से साईं बाबा के इन वस्त्रों को बनाने वाले हैं। और हाँ, ये भी बताऊंगी कि हमें किस तरह से साईं बाबा का मेजरमेंट लेना है। अगर आपके साईं बाबा किसी भी साइज के क्यों ना हो, तो मैं उनका भी मेजरमेंट लेकर दिखाऊंगी। तो नए नए आइडियाज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है मेरे साईं बाबा, ये बैठी मुद्रा में है। अगर आपके साईं बाबा खड़ी हुई मुद्रा में है, या इस तरह से हाथ किए हुए हैं, या आपके आशीर्वाद देते हुए साईं बाबा हैं, तो सबका मेजरमेंट एक ही है। तो मैं यहाँ दो ही माप लेकर बताऊंगी कि हमें साईं बाबा का किस तरह से माप लेना है, चाहे आपके साईं बाबा किसी भी साइज के क्यों ना हो। तो यहाँ जहाँ बाबा ने कफनी पहनी है, वहीं पर रखना है आपको अपना इंची टेप। तो इस तरह से रखेंगे और बस हमें सबसे पहले लंबाई लेंगे। और हाँ, जहाँ पैर दिख रहा है आपको बाबा का, उसके ऊपर से ले जाते हुए नीचे तक लाना है। तो यहाँ 6 इंच हमें तैयार करना है। अब हम लेंगे गले का मेजरमेंट। लोग क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है, ये गलत तरीका है। घुमाते हुए पीछे से ले जाना है, और जहाँ आपको दिख रहा व्हाइट पार्ट गले का, वहां तक ले जाते घुमाते हुए लेना है। तो थोड़ा बाबा को थोड़ा सा यहाँ से ढीला पनाना चाहिए, पूरा टाइट नहीं लेना, हल्का सा लूज लेना है, ठीक है। 5 इंच, तो 2.5 इस साइड से आएगा, 2.5 दूसरी साइड से आएगा। और यहाँ मैंने कफनी के ऊपर से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ कपड़े का बैग लिया है। ये बैग बिल्कुल नया है, ध्यान रखना है कपड़ा के जो आप बैग यूज करेंगे, एकदम नया यूज करेंगे, एकदम साफ सुथरा यूज करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिखाऊंगी, मैंने इससे पहले एक ड्रेस बनाई थी, ये भी कपड़े के बैग से बनी हुई है, बहुत ही सुंदर बनी है। और ये सिंगल लेयर में बनी है, इसमें आप बाबा के चरण भी देख सकते हैं, चरणों के लिए भी मैंने कटिंग की हुई है। और देखिए कितना यूनिक डिजाइन है, आप देख सकते हैं। इस कपड़े की खास बात ये है कि इसके धागे भी नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, एकदम नया डिजाइन है, ना नीचे कोई कपड़ा लगाया है। देखने में थोड़े निशान इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने सिंगल लेयर से बनाया, और ये गर्मियों के थे तो मैंने उठा के रख दिए थे क्योंकि सर्दियां हैं, इसलिए तो इसलिए थोड़ा सा देखने में ऐसे लग रहे हैं। वरना फ्रेंड्स, ना तो इनका कलर गया है और बहुत अच्छे बने हैं, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए इन्हें एक साइड रख देते हैं, अब हम आपको जो बना रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये कपड़े का बैग है, इसको हम सिंगल लेयर में नहीं बनाएंगे बल्कि डबल लेयर में बनाएंगे, जिससे ट्रांसपेरेंट नहीं लगे। वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट लग रहे थे हल्के से, और कोई माइनस पॉइंट नहीं था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहे तो बैग को फोल्ड कर लें। फोल्ड करके जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो परफेक्ट आता है, लेकिन अगर आपको लगता है आप नहीं ले पा रहे तो आप खोल कर ही लें, है ना, उसमें भी कोई परेशानी नहीं, हमें मेजरमेंट लेने से मतलब है। तो हमें कितना लेंगे, मेरे साईं बाबा 6 इंच के, मतलब हमें तैयार चाहिए थे लेकिन हम 6.5 इसलिए ले रहे हैं, आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना चाहिए। जब भी चाहे कुछ भी है, चाहे धागा निकल रहा है या नहीं, आधा इंच हमेशा एक्स्ट्रा लें। जितनी हम लंबाई लेंगे उतनी ही हम चौड़ाई लेंगे, ठीक है। तो हमने 6.5 इंच हमने लंबाई ली है, 6.5 इंच ही हम चौड़ाई लेंगे। ध्यान रखना है आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। चाहे आपके साईं बाबा की अगर हाइट ज्यादा है, अगर आपके 8.5 इंच के साईं बाबा हैं तो 9.5 आपको लेना है, यानी कि 8.5 प्लस आधा इंच। बस अब निशान लगा लेंगे चौक से और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये कपड़ा बच गया हमारा, उससे हम बाद में कुछ बनाएंगे। यहाँ देखिए ये 2 लेयर में है, देखिए कपड़ा पहली दिखा रही हूँ डबल लेयर में, तो डबल लेयर में अच्छा स्ट्रांग बनेगा। वो मैंने सिंगल लेयर में बनाया था जो आपको दिखाया था। तो मेजरमेंट इस तरह लेना चाहे इस तरह, नहीं तो इस तरह भी आप आसानी से ले सकते हैं। तो मैंने बताया था हमें 5 इंच टोटल चाहिए, तो 2.5 यहाँ बैठेगा इस साइड, तो 2.5 ही इस साइड से लेना हमें। तो पूरा एक बॉक्स बनेगा 2.5 2.5, तो चारों इसमें भी साइड हमारी इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। तो देखिए मैंने 2 ही मेजरमेंट बताए हैं। अगर आपके साईं बाबा की गले का माप ज्यादा है तो आप ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है, घुमाते हुए वैसे ही।
और अब हमने देखिए कटिंग कर ली और मैं अब आपको सिल कर दिखाऊंगी। ये देखिए दो पीस इस तरह से हैं, ये मैंने पूरे कट नहीं किए थे, इतने ही आधे कट किए थे। ठीक है, अब मैं इसको सिलाई करनी है, लेकिन मैं खाली सिलाई नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर सिलाई जो करूंगी वो मैं ये जो मैंने हाथ में ये लिए लेस इससे रखते हुए करूंगी। लेस को हाथ में लिया है और फिर फोल्ड करते हुए अंदर की ओर और बस सिलती जाऊंगी। इससे मेरे दो काम आसान हो जाएंगे, बार बार हमें सिलाई लगानी नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही हम सिलाई लगाते हुए इसको बंद कर देंगे, पूरे गले में डिजाइन भी आ जाएगा और बंद भी हो जाएगा। बस ध्यान रखना है सुई धागा जब भी आप यूज करें ऊपर जो सिलाई आए वो छोटी छोटी लेनी है, बहुत पास पास, एक यहाँ छोटा सा कट लगाना है, इससे जो है गला जो है बहुत अच्छे से सेट होगा। ठीक है, खिंचाव नहीं आना है, जैसे ऐसे आ जाता है ना थोड़ा सा झोल आ जाता है, झोल नहीं आता उससे हल्का सा कट लगाने से, तो मैं कट इसलिए लगाना बताती हूँ। तो ध्यान रखिए ऊपर हमें सिलाई जो है बहुत ही पास पास लेनी, आप नीचे से लंबा टाका ले सकते हैं पर ऊपर से दिखना नहीं चाहिए, वो खराब भी लगता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। बस अब हम इसको यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे लेस को, इस लेस के ऊपर उंगली रखेंगे और फिर इसके ऊपर से करते हुए सेट करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे हाथ से। तो यहाँ टाका लगाएंगे इस तरह से, टाका नीचे तक ले जाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो। तो जिस तरह मैं अभी आपको ऊपर गले पे सेट करके दिखा रही हूँ ठीक उसी तरह से हम नीचे सेट करेंगे। तो मैं केवल आपको ऊपर गले पे सेट करके दिखा रही हूँ, ठीक है, मैं नीचे सेट नहीं करूंगी, नीचे आपको लेस लगा के एज इट इज दिखा दूंगी लगी हुई है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर हम गले में ये लेस को सेट करें, बहुत ही अच्छी लग रही है, देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है, कोई कह भी नहीं सकता कि मैंने कपड़े के बैग का यूज किया है। अगर आपके पास कपड़े का बैग नहीं है, आप रुमाल से बनाना चाहते हैं, तो रुमाल भी अच्छी क्वालिटी का लें और तब उससे बाबा के वस्त्र बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत बार साईं बाबा के रुमाल से वस्त्र बनाई हूँ, बहुत अच्छे बने हैं, और हाँ पहनाती भी हूँ, उससे गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और सर्दियों के भी वस्त्र बनाई हूँ, वो सर्दियों के जो रुमाल आते हैं थोड़े सॉफ्ट टाइप के, उनको लेती हूँ, उनसे वस्त्र बनाती हूँ, और गर्मियों में कॉटन के रुमाल से बनाती हूँ। लेकिन कॉटन का रुमाल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अगर आपकी क्वालिटी बेकार होगी तो वो बेकार हो जाएंगे। और आपको लगता है आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आपके पास यही है, तो उसके नीचे आप कपड़ा लगा लें कोई, ठीक है, कपड़ा लगाएं ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, धुलने के बाद ऐसा ना हो जाए कि वो एकदम बेकार। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारी सिलाई कितनी अच्छी आ रही है। देखिए मैं आपको छोटी छोटी बात बताती रहती हूँ ताकि आपके पास जो है वस्त्र हो तो अच्छे बने, आपके वस्त्र की क्वालिटी खराब ना हो, मेरी वजह से आपकी कोई चीज का नुकसान नहीं हो। और मेरे जो भी वीडियोस होते हैं आप जानते हो मैं फेक वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ छोटी से छोटी बात आपको बताने की कोशिश करूँ। मैं चाहती हूँ जब आप कटिंग करें बनाएं, आप इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो आपके मन को खुशी होनी चाहिए। और एक बात हूँ फ्रेंड्स, आप बाजार से लेके पहनाएंगे ना भगवान को, किसी भी भगवान के वस्त्र, आपको वो खुशी नहीं मिलनी की जो आपको अपने हाथ से बनाकर खुशी मिलेगी। तो अपने हाथ से अपने साईं बाबा के वस्त्र बनाएं घर पर, बहुत आसान है बनाना। तो देखिए अब मैं यहाँ पर कटिंग करूंगी, यहाँ पर कट कर देंगे और बस ये जब ये कट हो जाएगा तो फिर इसको यहीं से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए बंद कर दूंगी, नीचे से टाका लगा दूंगी। और इस तरह से देखिए हमारे ये देखिए गला तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको कोई भी ऐसी महंगी चीज नहीं बताती हूँ कि वो लेना है ये लेना है, आपको डिजाइन भी एक से बढ़कर एक मिलेंगी। आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा तो आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है और एकदम सिंपल है, मटेरियल भी एकदम सिंपल लेती हूँ जो आपको इजीली मिल जाए। आप बताइएगा कोई आपका कपड़ा खराब हुआ है क्या? बस ध्यान रखना है इस कपड़े की, इस तरह के कपड़े का तो देखिए धागा भी नहीं निकलता, इसकी कपड़े में ये भी क्वालिटी है कपड़े के बैग में। बाकी कपड़ों में आप पॉलिस्टर का लेंगे या कोई लेंगे तो उनके धागे का डर रहता है, इसके नहीं निकलेंगे। अब मैं क्या करूंगी, देखिए हमारा गला रेडी हो चुका है, अब मैं दोनों साइड से बीच में खुल रहा है ना देखिए इसको भी बंद कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बाबा के लिए डोरी लगाऊंगी, दोनों साइड हम डोरी भी लगाते हैं ना, तो मैं यहाँ डोरी लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी ले सकते हैं। ठीक है,
और अंदर को सेट करते लगाना है, लेकिन पहले मैं कट करूंगी बीच में से। तो दोनों साइड सेट करेंगे, सेट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, धागे में नोट लगा लेंगे और फिर इसको बीच में रखेंगे। ये देखिए खुला पोर्शन है, दोनों पार्ट में इसके अंदर रखते हुए बंद करेंगे और बस सिल देंगे। मैंने अंदर दोनों कपड़ों के बीच में इसको रखा है, ठीक है। तो दो कपड़ों के बीच में इस पट्टी को हमें लगाना है, बहुत पास पास सिलना है। ऊपर से मैंने पहले बोला था, ऊपर से हमें ज्यादा सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए, चाहे नीचे दिख जाए कोई परेशानी नहीं। आप देखिएगा कितनी सुंदर सिलाई आ रही है, आप कह भी नहीं सकते कि आपने हाथ से सिला है। कोई अगर कह दे मेरे साईं बाबा के वस्त्र को देखकर कि आपने हाथ से सिला है, और बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। मेरे चार चार साल पांच पांच साल पुराने भगवान के वस्त्र पड़े हैं, अभी भी सही है, बिल्कुल सही कंडीशन में। तो देखिए मैंने भगवान की, देखिए नीचे भी लेस लगा ली यहाँ पर, और पूरा सेट हो चुका है। तो बाबा की जो है चोला तैयार हो गया है, चोला भी बहुत लेते हैं बहुत लोग इनको। तो बाबा के वस्त्र ऊपर का तैयार हो गया, अब मैं बाबा के लिए पटका बनाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी हम मेजरमेंट लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं लेस का लूंगी मेजरमेंट, क्योंकि मैं इसको रखकर ही कटिंग करूंगी बैग के ऊपर रखते हुए। तो पहले मैं लेस का मेजरमेंट लेने वाली हूं। तो मैं यहां 10 इंच लूंगी, ठीक है 10 इंच लूंगी। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको पटका बड़ा बनाना है, लंबा बनाना है, तो आप ज्यादा ले सकते हैं, पूरा भी ले सकते हैं, जितनी लंबाई आपको बैग की दिख रही है, लेकिन मैं छोटा ही बनाऊंगी, तो वो आपकी चॉइस है। और चौड़ाई भी हम ज्यादा नहीं लेनी है, हमें 1 इंच के आसपास लेनी है। लेकिन यहाँ पहले मैं आपको लंबाई कट करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको चौड़ाई भी दिखाऊंगी मैंने कितनी ली है। तो फ्रेंड्स जब आप बनाएंगे, और अगर आपको पसंद आए वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या यूजफुल है आपके लिए, क्या मैं जो आपको टिप्स देती हूँ या जो भी ट्रिक बताती हूँ सही है या नहीं। तो देखिए ये भी 1 इंच था, हमने दिखाई थी आपको अभी। अब बस लेस को इस पे लगाते हुए हम इसको सेट कर देंगे, और हमें जहां से खुली हुई है पट्टी वहीं से लेस को लगाना है, ताकि वो बंद हो जाए पोर्शन। तो देखिए पूरा मैंने बंद कर दिया है, थोड़ा सा खुला हुआ है, इसको मैं बाद में बंद करूंगी, आपको दिखाऊंगी कब करना है। तो पहले हम घुमाएंगे इसको, इस तरह से आ जाएगा पटका। अब यहां पर मैं इसको लॉक कर दूंगी नीचे से, अब हम इसको एक के ऊपर रखते हुए, कैसे रखना है, थोड़ा सा रखना है एक के ऊपर एक, बहुत ज्यादा नहीं लेना, हमें बहुत पास में रखते हुए इसको एक दूसरे से अटैच करना है, बहुत हल्का सा उसके ऊपर रखना है, और इतनी दूरी रखनी है हमें, 1.25 से 1.5 इंच के आसपास हमें पूरा बंद करना है, ठीक है। 1.25 या 1.5 इंच के आसपास आप सिलाई लगा दें, ठीक है, एक के ऊपर एक रखते हुए। तो इस तरह से हमने साईं बाबा का पटका भी तैयार कर लिया है। आप उसमें चाहे तो कोई मोती लगा सकते हैं, कोई फूल लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेस भी आपकी इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर बाबा को वस्त्र के बिना नहीं रखे, मैं हर बार कहती हूँ, आज भी बोलूंगी और हर बार बोलूंगी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ वस्त्र नहीं पहनाते। शिरडी में बाबा वस्त्र पहनते हैं ना, आप सभी दर्शन करने जाते हैं, बताइए कब बाबा ने वस्त्र नहीं पहने। फ्रेंड्स आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, शिरडी के साईं बाबा को जो है पूरे दिन में 3 बार वस्त्र बदले जाते हैं, और जो बाबा वस्त्र एक बार पहनते हैं उसको दोबारा बाबा को नहीं पहनाया जाता। वो वस्त्र क्या होता है उन वस्त्रों का, उन्हें उनके भक्त जो है ना अपने पास प्रसाद के रूप में लेकर चले जाते हैं। कुछ लोग खरीदते भी हैं, शिरडी में बाबा के वस्त्र भी खरीदते हैं, उनका मानना यह है कि बाबा के वस्त्र उनके पास रहेंगे तो उनका आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, भले ही बाबा शिरडी में, मगर उनके वस्त्र होने से उन्हें लगेगा बाबा का आशीर्वाद उनके पास है। तो देखिए ये फ्रेंड्स अपने भाव हैं। तो आप देखिए बात करते करते हमारे बाबा के वस्त्र तैयार हो गए, कपड़ा बचा हुआ है, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी ना, इस बचे हुए कपड़े से ही आपको दिखाऊंगी दूसरे साईं बाबा के वस्त्र बनाकर कितने सुंदर बने हैं।
अभी मैंने उनको नहीं बनाया बचे कपड़े से, वो बनाकर दिखाऊंगी। और फिलहाल मैं बाबा को ये पहनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे बने हैं हमारे साईं बाबा के वस्त्र। तो आप भी बना सकते हैं बहुत आसानी से अपने घर पर, साईं बाबा के वस्त्र बनाना जरूर सीखें। कटिंग मैंने बताई है, स्टिच मैंने करना बताया कि कैसे स्टिचिंग करनी है, और वो भी हाथ से हमने स्टिचिंग की है, हमने सिलाई मशीन का भी यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, एक छोटी सी सेवा आप अपने बाबा के लिए ज़रूर करें। छोटे छोटे काम में बाबा को भी खुशी होती है, बाबा को भी महसूस होता है मेरे अपने बच्चे मेरे लिए क्या क्या करते रहते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा ये छोटा सा एक आइडिया पसंद आया हो, या मेरे बाबा के वस्त्र या मेरी छोटी सी सेवा पसंद आई, तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चैनल पे बने रहे नए नए वीडियोस देखने के लिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।